हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी हरी भरी बगिया में आपका स्वागत है। आज हम गार्डन की सैर करने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरह से चिड़िया ने मेरे जो एक गार्डन है, टेरेस गार्डन, में इतना प्यारा सा घोंसला बनाया है। वैसे आज मैं बनाती हुई भी दिखाने वाली हूँ। थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मैंने की थी और पक्षियों को किस तरह से मैं दाना दे रही हूँ, ये मैं फरवरी मार्च से ही स्टार्ट कर देती हूँ। दाना देना, पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी के दिनों में पक्षियों को, जानवरों को पानी बिल्कुल नहीं मिलता है, तो इनकी प्यास बुझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से हम थोड़ी सी इनकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चिड़िया का घोंसला। ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरे गार्डन में बनाया है और ये रिकॉर्डिंग मैंने रात में की हूँ, क्योंकि दिन भर तो चिड़िया वहाँ बनी रहती है और घोंसला भी बन ही रहा है, तैयार हो रहा है। तो दिन में मैं रिकॉर्डिंग नहीं बना पाई, तो मैंने ये रात में बनाई हूँ। ये देखिए कितना सुंदर, कितना सहज के बिल्कुल ऊपर की ओर बनाया है, ताकि मैं गमले में भी पानी डालूँ तो उसमें टच ना हो। ये देखिए मनी प्लांट की बेल है मेरी, और ऊपर हैंग की हुई है बाल्टी है, उसी के ऊपर इन्हें बनाया है। देखिए कितना प्यारा, कितना बढ़िया, अच्छा सा नीचे से बिल्कुल सॉफ्ट बनाया है। ये देखिए यहाँ रूई की जैसे कुछ लगाया है, और ऊपर से भी देखिए कितना बढ़िया अच्छे से बनाया है। बहुत मेहनत करती है चिड़िया, पता नहीं कहाँ से एक एक डंडिया रेसे लाती है, बटोर बटोर के बहुत मेहनत से एक छोटी सी चिड़िया लेकर आती है और ये सब बनाती है। देखकर लगता है कि कितने अच्छे से बना रही है। अभी उस या तो वो अंडे देगी या फिर यहाँ पर वो खुद रहेगी, जो भी है, लेकिन बहुत सुंदर घोंसला बनाया है। पहले मेरी मालती की बेल में हमेशा बनाती थी, लेकिन इस बार ये नई जगह पर इसने बनाया है। 8-10 सालों से बना रही है चिड़िया यहाँ पर घोंसला। देखिए कितना प्यारा घोंसला है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ये देखिए चिड़िया घोंसला बना रही है, और मैंने विंडो से अंदर से ही ली ताकि उसको डिस्टर्ब ना हो। तो ये देखिए किस तरह से बना रही है, एक एक धागे या कहते हैं डंडियाँ लेकर आ रही है। ये देखिए बुलबुल चिड़िया है, ये जो ब्लैक वाली चिड़िया होती है वो वाली है। ये देखिए एक डंडी लगाती है और फिर उसमें ये देखिए बैठ के देखती है, उसको सही से करती है जो भी है। ये देखिए कितना अच्छे से बना रही है वो घोंसला। दो बुलबुल चिड़िया है यहाँ पर, पूरे साल ये घोंसला इसी तरह से बना के रखती है, बिल्कुल नहीं हटता है। ये बहुत हार्ड होता है, हवा चलने पर भी ख़राब नहीं होता है। तो चलिए गार्डन की सैर करते हैं। काफ़ी दिनों से मैंने ये गार्डन की सैर नहीं कराई थी, अभी गर्मी का समय है तो पौधे मैंने सारे इकट्ठे शेड के नीचे लगा दिए हैं, कुछ डिनेट के नीचे लगाए हैं। तो इस तरह से मैंने